Good morning, dear students. Till now we have studied about the tribal societies, who were the tribal societies and what do they do for their living. Now we will study what are the nomads and how do the mobile people lived. So nomadic pastoralists moved over long distances with their animals. Nomadic pastoralists kaun hote the, jo nomads, everyone knows that nomads are the persons who travel from one place to another. And the pastoralist in Hindi you can say charwahe. Pastoralists are charwahe. So they moved over long distances from one place to another with their animals. They lived on milk and other pastoral products. Wo अपने पेस्टोरल प्रोडक्ट्स पर रहते थे, लाइक मिल्क, मीट, वुल एक्सेट्रा. दे ऑल्सो एक्सचेंज वुल, घी एक्सेट्रा, और एक दूसरे से वो उनको जो भी चीज़ की नीड होती थी, लाइक वुल, घी एंड मैनी अदर थिंग्स आर देयर. सो दे एक्सचेंज विद अदर विद सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. जो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट होते थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उनसे वो अपने पेस्टोरल प्रोडक्ट्स जो होते थे उनसे एक्सचेंज कर लेते थे इन द प्लेस ऑफ ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड द अदर प्रोडक्ट्स. दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टिंग दैम ऑन देयर एनिमल्स. तो जो पेस्टोरल्स होते थे, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, वो गुड्स खरीदते थे, बेचते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने एनिमल्स पे अपने गुड्स को, अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते थे अपने साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह. द बंजारास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हैं, जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, वो बंजारास थे. देयर कैरवान वॉज कॉल्ड टांडा. उनका जो कैरवान था उसका नेम टांडा था. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स. जो उस टाइम पर सुल्तान थे, दैट वॉज अलाउद्दीन खिलजी, ही यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स. वो सिटी मार्केट्स में ग्रेन को ट्रांसपोर्ट कराते थे. एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोयर्स दैट द बंजारास कैरीड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स. एम्परर जहांगीर ने अपने मेमोयर्स में लिखा, मेमोयर्स यू कैन से इट इज़ अ बायोग्राफी रिटन फ्रॉम वंस पर्सनल नॉलेज. सो द बंजारास कैरीड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे और उन्हें टाउन्स में बेच देते थे. दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स. और जो फूड ग्रेन्स, अनाज होते थे, वो मुगल आर्मी के लिए ट्रांसपोर्ट भी करते थे जब मिलिट्री कैंपेन्स होते थे. कैंपेन्स यू कैन से जब बैटल्स होते थे, वॉर होते थे, उस टाइम पर जो बंजारास थे वो एक जगह से दूसरी जगह जो अनाज थे वो ट्रांसपोर्ट करते थे. विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी, एक लार्ज आर्मी के साथ देयर कुड बी 100,000 बुलक्स कैरिंग ग्रेन. तो इतने बुलक्स थे जो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे. नाउ नेक्स्ट, मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स. कुछ पेस्टोरल ट्राइब्स जो थे वो क्या करते थे, एनिमल्स को रियर कर लेते थे, अपने पास रखकर उन्हें बेच देते थे. सच एज कैटल हैं, हॉर्सेस हैं, टू द प्रॉस्पेरस पीपल. प्रॉस्पेरस मीन्स जिनके पास वेल्थ होती थी, रिच पीपल. डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज. पेटी पेडलर्स वो होते हैं जो रोम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे ऑन देयर फुट. दे मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज. दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स. और वो क्या करते थे, वो सामान बनाते थे और बेचते थे. वो क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कि रोप्स, रस्सियाँ, रीड्स एक टाइप की वुड होती है जो आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक बांसुरी की एंड पे लगी हुई मिलेगी. स्ट्रॉ मैटिंग, चटाइयाँ या कारपेट्स एंड कोर्स सैक्स. और जो बोरी वगैरह होती हैं, जो एक लार्ज बैग होता है स्ट्रॉन्ग क्लोथ से बना हुआ. समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स. कभी कभी ऐसा होता था जो मेंडिकेंट्स होते थे, मेंडिकेंट्स यू कैन से द बैगर्स, दे एक्टेड एज द मर्चेंट्स. वो ऐसा अपने आप को प्रिटेंड करते थे जैसे वो कुछ सामान को, अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु लिव्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लिवलीहुड. और एंटरटेनर की भी कास्ट थी,
जो नाटक वगैरह करते थे, खेल परफॉर्म करते थे अलग अलग टाउन्स और विलेजेस में अपनी लिवलीहुड को फुलफिल करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज. सो एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद द न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड. जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई तो उसके साथ क्या वो हमारी सोसाइटी भी डेवलप हुई, और उसके चलते जो लोगों के पास नई नई स्किल्स थी उसकी रिक्वायरमेंट थी. स्मॉलर कास्ट और जातीस इमर्ज विद इन वर्नाज, और जो छोटी कास्ट थी या फिर जातीस जो थी वो वर्नाज में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई, फैल गई. फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग इज द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स में एक नई कास्ट अपीयर हो गई. ऑन दी अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इन टू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और उसी के साथ क्या हुआ, जो दूसरे ट्राइब्स थे और अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे जिन्हें सोसाइटी में डिवाइड कर रखा था, उन्हें कास्ट बेस्ड सोसाइटी का पार्ट बना लिया गया और उनको जाति का स्टेटस दे दिया गया. स्पेशलाइज आर्टिजन्स, उसमें स्पेशलाइज आर्टिजन्स थे जैसे गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स एंड मेजन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जातीज बाई द ब्राह्मण्स. और इन सारे जो आर्टिजन्स थे स्पेशलाइज जो अपने वर्क में थे उनकी एक अलग कास्ट, एक अलग जाति ब्राह्मण ने रिकॉग्नाइज कर दी थी. जातीज रादर देन वर्णा बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, और वर्णा की जो दूसरा था, वर्णा के अलावा जो जातीज थी उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया, वो एक बेसिस माना गया सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए. अमंग द क्षत्रियाज न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाई द 11th एंड 12th सेंचुरीज. अब जो क्षत्रियाज में लोग थे उसमें जो नए राजपूत क्लैंस थे जो राजपूत के एंसेस्टर से, वो बहुत पावरफुल हो गए 11th और 12th सेंचुरी में. दे बिलोंग टू डिफरेंट लीनिएजेस, और वो अलग अलग लीनिएजेस को बिलोंग करते थे, अलग अलग प्रजातियों से थे, सच एज हुनास, चंडेलास, चालुक्यास एंड अदर्स. सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, और इनमें से कुछ तो पहले ट्राइब्स भी थे. मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत्स, इनमें से कुछ क्लैंस अपने आप को राजपूत कहने लगे. दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज, और उन्होंने हल्के हल्के जो ओल्डर रूलर्स थे, पुराने रूलर जो रूल करते थे, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया, और स्पेशली जो एग्रीकल्चर एरिया हैं, जो हमारे खेती बाड़ी के एरिया हैं, उन एरियाज में उन ओल्ड रूलर्स को रिप्लेस कर दिया गया. हेयर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स, और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एडवांस और जो सोसाइटी वो डेवलप कर रही थी, एंड जो वहाँ के रूलर्स थे उन्होंने अपनी वेल्थ को यूज़ करके अपनी स्टेट को और ज़्यादा पावरफुल कर लिया. द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो, और जो राजपूत क्लैंस थे, जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने रूलर्स की पोजीशन हासिल कर ली जिससे वो एक ट्राइबल पीपल के लिए एग्जांपल बन गए. ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, और हल्के हल्के ब्राह्मण्स की सपोर्ट से जो ट्राइब्स थे वो कास्ट सिस्टम का पार्ट बनते गए. बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास, लेकिन कुछ ही ऐसी ट्राइबल फैमिलीज थी जिनके पास पावर थी वो रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकें, जो मेजॉरिटी क्लास होती है उन्हें ज्वाइन कर सकें. अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइंड द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी, एक बड़ी सी मेजॉरिटी ने लोअर जाति की जो कास्ट सोसाइटी है लोअर जाति की उसको ज्वाइन कर लिया. ऑन द अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली, और उसी के साथ साथ हमने क्या देखा है, जो डोमिनेंट ट्राइब्स थे, डोमिनेंट आर द मेन, यू कैन से जो मेन ट्राइब्स थे वहाँ के, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया बहुत पहले से. दे कंटिन्यूड टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, उन्होंने ये जो कास्ट सिस्टम अडॉप्ट हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया था. द अनइक्वल स्पेशल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाई द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज, जो सोशल ऑर्डर था जो उनके अकॉर्डिंग अनइक्वल था, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन था, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म ने प्रिस्क्राइब किया था, यू कैन से ऑर्थोडॉक्स में जो ओल्ड और ट्रेडिशनल होते हैं वो भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था. द इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंज अमंग द ट्राइबल ऑर्डर ट्राइबल पीपल, तो जो हमारी स्टेट इमर्ज होके आई उसमें ट्राइबल पीपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. टू एग्जांपल्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो, और इनमें से जो एग्जांपल अब हम देखेंगे, दो एग्जांपल्स ऐसे हम देखेंगे, एक है गॉन्ड्स और एक है एहोम्स. वी विल रीड दिस नाउ.
Now a closer look, the Gonds. So Gonds live in a vast forested region called Gondwana or country inhabited by the Gonds. तो जो Gonds थे वो forested region में रहते थे, जंगली इलाकों में रहते थे, और इन्हें Gondwana के नाम से बुलाया जाता था, या फिर country inhabited by the Gonds, या फिर ऐसी country जो Gonds से inhabited थी. They practiced shifting cultivation और उन्होंने shifting cultivation को practice करा. Shifting cultivation मतलब पहले एक land area है उसके जो trees हैं वो cut करके बंद कर देते हैं और उसकी ash को जो ashes होती हैं उसकी remaining उसको soil में मिला देते हैं उसकी fertility increase करने के लिए. फिर जब वो land ख़राब हो जाती है तो जो आगे next piece of land है उसको फिर ऐसे ही किया जाता है, उसको cut और बंद किया जाता है. तो this is called shifting cultivation. The large Gond tribe was further divided into smaller clans. और जो बड़े बड़े Gond tribes थे उनके जो कबीले थे Gonds के उन्हें और छोटे छोटे clans में divide कर दिया गया. Each clan has its own राजा और राय, और हर clan का अपना एक राजा या फिर राय था. You can say a chief or head. About the time that the power of the Delhi sultans were declining, a large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. तो जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान्स की जो पावर थी वो कम हो रही थी तो उसके चलते क्या हुआ, कुछ लार्ज किंगडम जो थे वो डोमिनेट करने लगे, जो छोटे स्मॉल किंगडम्स थे गोंड के उनको डोमिनेट करने लगे, उन पे अपना कंट्रोल दिखाने लगे. द अकबरनामा हिस्ट्री ऑफ अकबर सीरीन मैंशंस द गोंड किंगडम ऑफ गढ़ा कटंगा दैट हैड 70 विलेजेस. अकबरनामा में 70,000 गोंड विलेजेस का मैंशन हुआ है. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज, और इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया था. तो द किंगडम वॉज डिवाइडेड इन टू गढ़, और हर किंगडम को गढ़ में डिवाइड कर दिया गया था क्योंकि ये बड़े बड़े लार्ज गॉन्ड ट्राइब्स थे तो इनको किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया था. ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाई अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन, और हर गढ़ को एक पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन कंट्रोल करता था. दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इन टू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84, और इनको जो है 84 विलेजेस में डिवाइड कर दिया गया जिसको 84 कहते हैं. इन हिंदी 84 इज फॉर 84. द 84 वॉज सब डिवाइडेड इन टू बरहोल्स, और 84 को भी और छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया और इसमें 12 विलेजेस थे, हर बरहोल में 12 विलेजेस थे. द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी. जैसे जैसे बड़ी बड़ी स्टेट्स डेवलप हुई उसने गॉन्ड सोसाइटी का नेचर चेंज कर दिया गया. दे आर बेसिकली इक्वल सोसाइटी, ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इन टू अनईक्वल सोशल क्लासेस, और उनकी जो इक्वालिटी थी सोसाइटी में वो हल्के हल्के डिवाइड होने लगी जिससे सोसाइटी में जो क्लासेस थे वो अनईक्वल हो गए. ब्राह्मण्स रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड राजाज एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल, और जो ब्राह्मण्स थे वो गॉन्ड के राजा से लैंड के फॉर्म में फंड्स रिसीव करते थे और उन्हें बहुत पावर मिल गई थी. दे बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल. द गॉन्ड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत, और जो गॉन्ड चीफ्स थे वो खुद को चाहते थे कि वो राजपूत कहलाएं. सो अमनदास द गॉन्ड राजा ऑफ गढ़ा कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. तो जो गढ़ा कटंगा का राजा था, गॉन्ड का राजा जो था अमनदास, उसने अपने आप को टाइटल दे दिया विच वॉज संग्राम शाह. हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, और उनका जो बेटा था अमनदास का, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मैरी कर ली, शादी कर ली उन्होंने दुर्गावती से, जो सलबाहन की डॉटर थी, जो राजपूत राजा थे महोबा के. दलपत हाउएवर डाइड अर्ली, लेकिन क्या हुआ फिर, दलपत जो थे वो बहुत जल्दी गुजर गए. रानी दुर्गावती वॉज वेरी केपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन वीर नारायण, और जो रानी दुर्गावती थी उन्होंने दलपत के एक्सपायर होने के बाद जो किंगडम था उसको संभाला और रूल करने लगी अपने 5-year-old सन के बिहाफ पे, वॉज वीर नारायण. अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव, और जब उन्होंने वहाँ पर रूल किया तो उनका जो किंगडम था वो और ज़्यादा फैलने लगा, एक्सटेंसिव होने लगा. इन 1565 द मुगल फोर्सेज अटैक्ड गढ़ा कटंगा अंडर असफ़ खान, और 1565 में क्या हुआ, जो मुग़ल फोर्सेस थी उन्होंने असफ़ खान के अंडर गढ़ा कटंगा पर अटैक कर दिया. अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाई रानी दुर्गावती, और रानी दुर्गावती के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस हुआ, बहुत फोर्स उन्होंने लगाई. शी वॉज डिफीटेड एंड प्रिफर टू डाई रादर देन सरेंडर. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार मानने से अच्छा उन्होंने करा कि वो मर जाएं, अगर उन्होंने सरेंडर करना अच्छा नहीं समझा. हर सन टू डाइड आफ्टर फाइटिंग सून. और उनका बेटा जो था वीर नारायण, वो भी वॉर के टाइम पे बहुत जल्दी डाई हो गया. गढ़ा कटंगा वॉज अ रिच स्टेट. गढ़ा कटंगा जो थी वो बहुत ही एक रिच स्टेट थी. इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स. और वो क्या करते थे, अपनी वेल्थ से क्या करते थे, जो एलिफेंट्स थे उनको पकड़ लेते थे और फिर बाद में उन्हें दूसरे किंगडम्स में एक्सपोर्ट कर देते, भेज देते थे. व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्ड्स दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स. और जब मुगल्स ने गॉन्ड्स को हरा दिया तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बूटी, बूटी जो होता है लूट का सामान होता है, उसमें उन्हें प्रीशियस कॉइन्स, बहुत कीमती सिक्के और एलिफेंट्स मिले. दे अनेक्स पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रशाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण. उन्होंने जो गॉन्ड किंगडम था उसका एक पार्ट जो है अपने पास रख लिया और बाकी जो बचा हुआ था वो चंद्रशाह को दे दिया, जो वीर नारायण के अंकल थे. डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़ा कटंगा द गॉन्ड्स किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम. हालांकि जो गढ़ा कटंगा था अपनी हार के बाद भी कुछ टाइम तक पावर में रहा. हाउएवर दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलाज एंड मराठास. लेकिन क्या हुआ, वीक होने के चलते क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया लेकिन वो हार गए किससे, बुंदेलाल और मराठा से. नाउ द नेक्स्ट इज द अहोम्स. द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th century. वो अहम जो थे वो हमारे म्यांमार से आए थे ब्रह्मपुत्र वैली पर 13th century में. दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाई सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुयान्स लैंडलॉर्ड्स. उन्होंने जो नए स्टेट के पॉलिटिकल ऑर्डर्स थे उन्हें सप्रेस कर दिया, उन्हें अबॉलिश कर दिया. ड्यूरिंग द 16th century दे एनेक्स द किंगडम्स ऑफ चुयाज एंड ऑफ कोच हाजो. और जो है 16th century में उन्होंने इन दोनों किंगडम्स को अनेक्स कर दिया, ओवरकम कर लिया एंड सब्जुकेटेड मैनी अदर ट्राइब्स. और जो अदर ट्राइब्स और दूसरे कबीले थे उनको भी उन्होंने डिफीट करके ओवरकम कर लिया. द होम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530s. तो अहोम्स ने क्या करा, एक बड़ी स्टेट बनाई और अपने फायर आर्म्स को जो है यूज़ करा 1530 से पहले पहले. बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनॉन्स. और 1660 तक उन्होंने क्या करा, उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ और पावर थी, उन्होंने गन पाउडर बनाया अच्छी क्वालिटी का और कैनॉन्स भी बनाए. कैनॉन्स यू कैन से दे आर द तोप्स. हाउएवर द होम्स फेस मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट. लेकिन क्या हुआ, इतनी पावर होने के बाद भी होम्स ने बहुत सारे इन्वेजन्स को फेस किया साउथ वेस्ट से. इन्वेजन्स आर द अटैक्स. इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम. 1662 में जो मुगल्स थे उन्होंने मीर जुमला की कमांड पे अहोम किंगडम पे अटैक कर दिया. डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड. और उन्हें बहुत उन्होंने बहुत बहादुरी से जंग करी लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो हार गए. बट द डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन क्या हुआ, जो मुगल कंट्रोल था वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा. द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर. दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स. जो होम स्टेट थी वो फोर्स लेबर पर डिपेंड करती थी. फोर्स लेबर मतलब जो राज्य में हर कंडीशन में वर्क करने के लिए तैयार रहे उनको वो फोर्स लेबर के नाम से बुलाते थे. और इनको एक नाम दे दिया गया था पाइक्स. अ सेंसस ऑफ ईच पॉपुलेशन वॉज टेकन. और जो सेंसस है मीन्स जो जनगणना करी गई उन्होंने अपने स्टेट की, तो उससे क्या हुआ, उन्हें पॉपुलेशन का पता चला कि एक पर्टिकुलर विलेज में कितनी पॉपुलेशन है. ईच विलेज हैज़ टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाई रोटेशन. और हर विलेज को अपने अपने लेबर्स भेजने होते थे रोटेशन के हिसाब से अपने टर्न के अकॉर्डिंग. पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस. और जो जहाँ जिन विलेजेस में ज़्यादा पॉपुलेशन थी उनको शिफ्ट कर दिया गया लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस पर. अहोम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप. और उसके चलते क्या हुआ, जब उनकी पॉपुलेशन डिवाइड हो गई और तो वो ब्रोकन हो गए, वो डिवाइड हो गए, उसके बाद उनमें जो है दरार पड़ गई. बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड. और 17th century की हाफ में मिड में जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन द मैनेजमेंट सिस्टम था वो सेंट्रलाइज्ड था.
ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्वड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, और जितने भी एडल्ट मेल्स थे उस विलेज में होम स्टेट में उन्होंने आर्मी को सर्व किया वॉर के टाइम. एट अदर टाइम्स दे वर इंगेज इन बिल्डिंग डैम्स इरीगेशन वर्क्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स. और तो वॉर के अलावा जो टाइम होता था उसमें वो क्या इंगेज कर रहते थे, डैम्स बनाने में विलेज के लिए, इरीगेशन सिस्टम बनाने में, और बाकी जो भी पब्लिक वर्क्स रहता था जैसे स्टेट वर्क के लिए जो भी होता था वो करते थे. दी होम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मैथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन, और जो होम्स थे उन्होंने नए नए मैथड इंट्रोड्यूस करे राइस की खेती के लिए. होम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू क्लैंस और खेल्स, और होम सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग क्लैंस में उनके एंसेस्टर्स के अकॉर्डिंग, और इन क्लैंस को खेल्स भी बोलते हैं. There were very few caste of artisans, so artisans in the Ahom areas came from the adjoining kingdoms. और Ahom state में कुछ ही artisans की caste थी, तो इसलिए जो दूसरे kingdoms थे जो बराबर में थे उनसे वो Ahom areas में आ गए. A खेल often controlled several villages. खेल means जो clan होते थे, जो ancestors होते थे, वो दूसरे villages को भी control करते थे. The peasant was given land by his village community, और जो peasants होते थे, peasants जो किसानों को जो है लैंड दी जाती थी विलेज कम्युनिटी की तरफ से. इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज़ कंसेंट, और जो किंग है वो उन्हें कम्युनिटी के, जब तक कम्युनिटी उस पर अग्री नहीं कर दे वो उनसे वापस नहीं ले सकता किसानों से वो ज़मीन. ओरिजिनली दी होम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, होम जो थे वो अपने खुद के गॉड्स को वर्शिप करते थे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी. हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स इंक्रीज, और जो 17th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ था तो उसमें उन्होंने जो ब्राह्मण्स की पावर थी वो इंक्रीज हो गई, और जो टेम्पल्स और ब्राह्मण्स जो थे वो जो होते थे लैंड प्रोवाइड कर दी जाती थी टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को किंग के द्वारा. इन द रीन ऑफ सिपसिंग, सिपसिंग के रीन में उनके राज्य में हिंदुइज्म जो था वो मेन रिलीजन था. बट दी अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म, लेकिन जो अहोम किंग्स थे उन्होंने अपना जो बिलीफ था वो उसको गिव अप नहीं करा था हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने के बाद भी. अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, और अहोम सोसाइटी जो थी वो बहुत सोफिस्टिकेटेड थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी. पोएम्स और सोफिस्टिकेटेड यू कैन से इट इज़ मॉडर्न और एडवांस ऑल्सो. पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, उस टाइम पर जो पोएट्स और स्कॉलर्स थे उन्हें लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, लैंड के लिए फंड्स दिए जाते थे. थिएटर वॉज एनकरेज, थिएटर को बढ़ावा मिलता था. इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इन टू द लोकल लैंग्वेज, और जो संस्कृत के वर्क थे उन्हें लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था. हिस्टोरिकल वर्क्स जिनको बुरंजीज भी बोलते थे उन्हें पहले तो होम लैंग्वेज में लिखा गया, फिर उसके बाद असामीज लैंग्वेज में लिखा गया. So now coming to the conclusion of this chapter, we see that the considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. और starting से जो हम chapter पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा कि हल्के हल्के एक social change आया हमारी इंडिया में different periods. वर्णा based society and tribal people constantly interacted with each other. और जो वर्णा बेस्ड सोसाइटी थी जिस सोसाइटी में क्लासेस के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर दिया था, और जो ट्राइबल पीपल थे जो कबीले के लोग थे दोनों आपस में इंटरेक्ट करने लगे एज द इंक्रीज विद द टाइम. दिस इंट्रैक्शन कॉज बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज़ टू अडेप्ट एंड चेंज, और इस इंट्रैक्शन से क्या हुआ दोनों सोसाइटीज़ में एक अच्छा बदलाव आया, बहुत चेंजेस आए. देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लिवलीहुड्स, बहुत सारे हमने ट्राइब्स देखे उन्होंने अपने लिवलीहुड के लिए अलग अलग वेज फाइंड किए. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो आगे डिफरेंट पीरियड ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम दे मर्ज मीन्स वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी का पार्ट बन गई थी. अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कुछ ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ जो थे जो ट्राइबल सोसाइटीज थी उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया, और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म था जो ओल्ड और ट्रेडिशनल हिंदुइज्म यू कैन से था उसको भी रिजेक्ट कर दिया. सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश एक्सटेंसिव स्टेट्स एंड विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो कुछ कबीले थे उन्होंने अपनी स्टेट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कर लिया, उनकी स्टेट जो है टाइम टू टाइम जो है उन्हें पॉपुलैरिटी हासिल की और बहुत ज़्यादा फैल गई उनकी स्टेट ड्यू टू देयर वर्क्स.
और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, मैनेजमेंट सिस्टम था, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था. दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, और जो पॉलिटिकली भी वो बहुत ज़्यादा पावर में आ गए थे, दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स. तो उसके चलते क्या हुआ, जब ट्राइबल सोसाइटीज पावर में आ गई तो उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगे, डिस्प्यूट्स होने लगे, जो बड़ी और कॉम्प्लेक्स किंगडम्स थे और एम्पायर्स थे. सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.